नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है मेरी एक नई रेसिपी में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दही वाले आलू, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो उसके लिए मैंने दो आलू ले लिए थे और उनको उबाल लिया है। उबालने के बाद में देखिए, ठंडा होने के बाद में छील करके और उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। तो आप चाहें तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। तो बस यही आलू हमें लेना है, मतलब बॉईल किए हुए आलू लेना है। और साथ में हमने अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा इसमें डाल करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए, आप चाहें तो चॉप करके भी ले सकते हैं, मतलब छोटा छोटा सा काट के वैसे भी ले सकते हैं, अगर पेस्ट नहीं डालना है आपको। और साथ में ले लिया है दही हमने, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा दही है। तो हम अपनी रेसिपी को बनाने के लिए ना इसमें दही में सारे मसाले ऐड करके पहले ही रख देंगे। ये देखिए, तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला, साथ में गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही साथ में रखिए मेरे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही सब लोग साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें मेरे ऊपर और मेरे वीडियो को देखते रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए, दही में हमने सारे मसाले अपने डाल दिए थे। इसमें मैंने लास्ट में कश्मीरी लाल मिर्च डाला था फ्रेंड्स, वो मैं बताना भूल गई। और अभी मैंने नमक नहीं डाला है इसमें, नमक हम बाद में डालेंगे। तो इधर हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई और इस कढ़ाई को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें तेल। ये देखिए, उससे क्या होगा ना, तेल हमारा जल्दी से गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है और इसमें डाल देंगे हम जीरा, ये एक चम्मच के लगभग जीरा है। और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद में जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का, तो वो पेस्ट डाल देंगे इसमें। ये देखिए, और अच्छे से इसको भून लेंगे मसाले को। बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। ये देखिए, बढ़िया से हमारा मसाला भून गया है। अब इसके बाद में जो हमने दही में सारे मसाले, मिर्ची, हल्दी, धनिया, सब्जी मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च सब ऐड हमने इसी में कर दिया था ना, बस वो डाल देंगे। अभी फ्रेंड्स, हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे। और बस इसको चलाते रहना है। और ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो अभी इसमें ना जिस कटोरी में हमने ये बनाया था पेस्ट मसाले का, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे। देखिए, अब बस मसालों को अच्छे से भुनने देंगे और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा दही फट सकता है। ये देखिए, बढ़िया से इसको, जब तक उबाल नहीं आएगा ना तब तक इसको ऐसे चलाते रहना। तो ये देखिए, बढ़िया से मसाले में उबाल आ गया है और कितना अच्छा कलर भी आ गया है ना फ्रेंड्स। ये देखिए, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और भूनेंगे हम मसाले को। तो ये देखिए, इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी है फ्रेंड्स। तेल भी देखिए बिल्कुल सेपरेट सा होता जा रहा है मसाले से। तो बस ऐसे ही मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, हमारा मसाला कितने अच्छे से भून गया ना, पूरा तेल बिल्कुल अलग हो गया है मसाले से। तो बस ऐसे ही अच्छे से पका लेना है धीमी आंच पे। और फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये। तो आज संडे का दिन था, सुबह सुबह दाल चावल तो बन गया था, लेकिन ये था कि कुछ सब्ज़ी भी अच्छी सी बन जाए आज संडे को। तो वैसे हरी सब्ज़ी कुछ थी नहीं, मैंने सोचा आलू ही बना लेते हैं। तो थोड़ा सा दही भी रखा हुआ था, तो बस उसी का। और फिर मसाला भुनने के बाद में उसमें डाल दिए हमने अपने उबले हुए आलू। और ये देखिए, चला के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है और खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आने लग गई है।
मुझे तो लग रहा है जल्दी से बन जाए बस, क्योंकि ना देख के ही खाने का मन हो जाता है फ्रेंड्स। तो बस जल्दी से मैं बना लेती हूँ इसको। और मैंने डाल दिया है पानी, पानी से फ्रेंड्स में थोड़ा ही जाएगा क्योंकि आलू हमारी पहले से ही उबली हुई है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसको आप पूड़ी, पराठा, चावल, रोटी जैसे आपका मन हो वैसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो आप जब चाहें, या आपके पास कोई हरी सब्ज़ी नहीं है तो आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने नमक नहीं डाला था पहले, तो अब हम नमक डाल दिए इसमें 1 चम्मच। ये देखिए, और बस इसको अब उबलने देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा फ्रेंड्स इसको बनाने में। ये देखिए, बढ़िया से उबल गई है हमारी सब्ज़ी और कलर भी कितना अच्छा सा आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल डेली यूज़ वाले मसाले और थोड़ा सा दही, और आलू तो सबके घर में होते ही है फ्रेंड्स। तो जब भी आपका मन करे आप बना सकते हैं इसको। और साथ में डाल देंगे इसमें हरा धनिया, जो इसका टेस्ट और रंगत दोनों ही बढ़ा देता है। तो ये देखिए, हरा धनिया खूब सारा डाल करके इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब आप चाहे इसे चावल के साथ में खाएं, रोटी के साथ में खाएं, पूड़ी या पराठा, जैसे भी आपका मन हो आप इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है हमारी, बिल्कुल कलरफुल लग रही है फ्रेंड्स और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप लोग ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में।